अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल हुआ शुरू। रोहित शर्मा के शतक के बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी श्रीलंका की टीम को किया शांत। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर दिया। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा मैच के दूसरे दिन का खेल आप कब और कहां पर खेल सकते हैं, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस मैच से संबंधित सभी जानकारी, सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और श्रीलंका में से ऐसी कौन सी मजबूत टीम है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, भारत और श्रीलंका के बीच T20 और वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है, जहां पर T20 सीरीज के अंदर तो भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को बुरी तरीके से हरा दिया है, तो वहीं वनडे सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन टेस्ट सीरीज में दोनों टीम के बीच काफी टक्कर देखने को मिली, जहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, जहाँ पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस मैच में चल रहे मौजूदा हालात के बारे में हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले इस मैच की लाइव कवरेज पर ध्यान दिया जाए। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच टीवी पर स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर लाइव प्रसारण दे रहा है, तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में जियो सिनेमा हिंदी, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी जैसी तमाम भाषा में इसका मुफ्त लाइव प्रसारण आसानी से देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, दोनों टीमों के आंकड़े के बारे में नजर डालें तो दोनों टीम के बीच अभी तक 46 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम को 22 मैच के अंदर मिली जीत है, तो वहीं श्रीलंका की टीम ने मात्र 7 मैच के अंदर जीत दर्ज की है। इसके अलावा 17 मैच के अंदर किसी भी टीम के पक्ष में नतीजा नहीं गया है और ये 17 मैच ड्रॉ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय सरजमी पर दोनों टीम के बीच 21 मैच खेले गए हैं, जहाँ पर भारतीय टीम को 13 मैच के अंदर जीत मिली है, तो वहीं 8 मैच ड्रॉ साबित हुए। ऐसे में भारतीय टीम का श्रीलंका की टीम के ऊपर पूरी तरीके से दबदबा देखने को मिला है, जिसके चलते ये मैच भी रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां पर दोनों टीमों के बीच में बेहतरीन संघर्ष देखने को मिल रहा है। हालांकि हाल ही में भारतीय टीम ने 3 वनडे मैच खेले, जहां पर भारतीय टीम को इस मैदान पर एक भी वनडे मैच में जीत नहीं मिल सकी है। तो वहीं सिराज के इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं, तो वहीं श्रीलंका की टीम की कप्तानी अजलंका करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो श्रीलंका की टीम की तरफ से इस मैच में अविष्का फर्नांडो और पादुम निशंका मैदान पर खेलते दिखाई देने वाले, तो वहीं इनका साथ देने के लिए मध्य क्रम में कुशल मेंडिस, सदीरा समर विक्रमा के साथ कप्तान चरित अजलंका को खेलने का मौका मिल सकता है। तो वहीं ऑलराउंडर के तौर पर धनंजय डी सिल्वा और दुनित वैला लगे को खेलने का मौका अब मिल सकता है। इतना ही नहीं, तेज गेंदबाज के तौर पर अब दिलशान मधुशंका, असिता फर्नांडो और नुवान तुषारा खेलते दिखाई देने वाले हैं, तो वहीं स्पिनर के तौर पर वेंडर्स खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरती हुई दिखाई देने वाली है। इस दौरान ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं इनका साथ देने के लिए तीसरे नंबर पर शुभमन गिल खेलते दिखाई देने वाले हैं, तो वहीं 4 नंबर पर विराट कोहली की लंबे समय के बाद टेस्ट में वापसी होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए मध्य क्रम में केएल राहुल को शामिल किया गया है, जो विकेट कीपर की भूमिका भी निभा सकते हैं। लेकिन अब विकेट कीपर के तौर पर टीम के अंदर ऋषभ पंत की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, जो टॉप ऑर्डर के साथ मध्य क्रम को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में ऋषभ पंत के बाद इनका साथ देने के लिए ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को खेलने का मौका मिलने वाला है, जो बेहतरीन गेंदबाजी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को खेलने का मौका मिलने वाला है, तो वहीं मुख्य स्पिन के तौर पर कुलदीप यादव खेलते दिखाई देने वाले। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच रोमांचक तरीके से देखने को मिल सकता है, जिसका पहला दिन रोमांचक तरीके से व्यतीत हो चुका है और दूसरे दिन भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में भारतीय टीम को जीत मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और ऋषभ पंत को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल के पहले दिन के तूफान के बाद दूसरे दिन आया विराट कोहली, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने तूफानी प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया, तो वहीं दूसरे दिन विराट कोहली ने ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने श्रीलंका टीम का गेंदबाजी क्रम अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर हो गया। तो आखिर कैसे श्रीलंका के खिलाफ दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में
इस रोमांचक मैच की दूसरे दिन की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा में से कौन है सबसे बेहतर टेस्ट बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच में पहला टेस्ट मैच कोलंबो के मैदान पर खेला जा रहा है। इसके पहले दिन भारतीय टीम ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया। इस मैच के अंदर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर मैदान पर तहलका मचाया और पहले दिन सभी को प्रभावित कर दिया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अंत तक तूफानी पारी खेली, जहाँ पर भारतीय टीम में 375 रन एक विकेट के नुकसान पर 88 ओवर में बना दिए, जहां पर यशस्वी जायसवाल 72 ओवर में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 145 रन बनाकर चरित असलक्का की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए थे, जिसके बाद अब बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए। इस दौरान विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की और दोनों अंत तक नाबाद रहे, जहां पर विराट कोहली 4 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर नाबाद रहे, तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने 175 रन का योगदान दिया, जिसके उन्होंने 14 चौके और 2 छक्के लगाए। और इसी के साथ पहले दिन भारतीय टीम ने 88 ओवर की समाप्ति तक 375 रन एक विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। हालांकि आज जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो दोनों बल्लेबाजों ने इसी तरीके से रन बटोरने प्रारंभ कर दिए, जहां पर आज का दिन पहला ओवर डालने के लिए फर्नांडो आए थे, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। इसी बीच उन्होंने अब पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के पास में काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, जिसके चलते दोनों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और इन दोनों ने काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अब शानदार शुरुआत दिला दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हुए पहले सत्र में बिना किसी नुकसान के 115 रन बना दिए, जहाँ पर भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिन के 12 यानी मैच में 100 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए स्पिन गेंदबाज हसरंगा के सामने छक्के लगाते हुए अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया और इसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने 101 ओवर में 1 रन लेने के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, साथ में विराट कोहली ने आगे भी तूफानी बल्लेबाजी जारी की। दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाने के बाद में भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी, जहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आए दुनित वैलालागी के सामने पहले सत्र के अंतिम ओवर यानी कि 117 ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगा दिया, जिसके चलते रोहित शर्मा ने तो अपना 250 रन का आंकड़ा भी शाही अंदाज में इसी ओवर में पूरा किया। तो वहीं जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 120 ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 चौके वैलालागी के सामने लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। हालांकि 122 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दोबारा से आए असित फर्नांडो ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को बाहर जाती हुई गेंद पर पड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके चलते रोहित शर्मा 22 चौके और 6 छक्कों की मदद से 256 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए। लेकिन उन्होंने आज कुछ खास कमाल नहीं किया और वह 128 ओवर में गेंदबाज चरित असलंका के सामने LBW आउट हो गए, जहां पर शुभमन गिल ने मात्र 1 चौके की मदद से 8 रन बनाए, जिसके बाद में अब बल्लेबाजी करने के लिए KL राहुल आए, लेकिन इनका भी बल्ला आज के ही दिन नहीं चला और वो काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी करने के बाद पवेलियन को लौटे। इस दौरान KL राहुल हसरंगा की गेंद पर 132 ओवर में 1 चौके की मदद से 9 रन बनाकर LBW आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच दूसरे सत्र के अंतिम ओवर में अंतिम गेंद पर दुनित वैलालागे ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहाँ पर उन्होंने विराट कोहली को अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस बीच विराट कोहली ने 132 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए। इसी के साथ अब दूसरे सत्र का खेल समाप्त हुआ, जहाँ पर भारत ने सत्र में 125 रन बनाए, जहां पर भारतीय टीम के 4 विकेट भी गिर गए। इस बीच भारतीय टीम का स्कोर 615 रन 4 विकेट के नुकसान पर रहा, जिसके बाद अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो ऋषभ पंत का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आए थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इन्हें मजबूत स्थिति में लाने का कार्य किया, जहां पर ऋषभ पंत ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए तेज़ी से रन बनाना प्रारंभ कर दिए और 153 ओवर में ऋषभ पंत ने छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी तरीके से